नोएडा में पिछले 24 घंटों में दालचंद शर्मा जी, त्यागी जी, अक्षय कालरा के तीन ऐसी सनसनीखेज मर्डर्स हुए हैं जिनको देख करके पूरा उत्तर प्रदेश कांप उठा। नोएडा उत्तर प्रदेश की शान है, उत्तर प्रदेश का दिल्ली का सबसे समीप हिस्सा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जजेस हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उन सबके रहने के बावजूद पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी व्यवस्था, जिसको बड़े बड़े वादे करके बताया गया था, बड़े तारीफ करके लागू किया गया था, उसको आज जिस तरीके से उसकी सच्चाई सामने आ रही है कि हर एक घर, हर एक परिवार, हर एक बच्चा, हर एक मां, हर एक बाप कहीं न कहीं डरा हुआ है, दहला हुआ है अपने परिवारजनों की सुरक्षा को लेकर। पुलिस का इससे बड़ा फेल्योर उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा जंगल राज मुझे नहीं लगता आज से पहले कभी उत्तर प्रदेश ने देखा था। ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, न लॉ बचा है, न ऑर्डर बचा है, क्राइम सर चढ़ के बोल रहा है, पुलिस का करप्शन इतना हो गया है कि मुझे लगता है जनता त्राही त्राही कर रही है आज। अब सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। मैं जनता से अपील करता हूं कि मन बना लीजिए, 2022 दूर नहीं है, हम सबको मिलकर के सरकार हटानी होगी। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, पूरी तरह से अपराध प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में 3 बार के पूर्व विधायक श्री नवीन मिश्रा जी की दिन दहाड़े सरेआम निर्मम हत्या की गई, उससे आज हम सब बहुत दुखी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आखिर कब और कब तक हत्याएं होती रहेंगी उत्तर प्रदेश में, कब तक लूट, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगेगा, कब तक अपराधी बेलगाम होकर अपराध करते रहेंगे। अरे अब तो उत्तर प्रदेश के लोग पूछने लगे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना पाप है। मैं एक बात की और निंदा करती हूँ। मैं अभी कुछ बयान सुन रही थी प्रशासनिक अधिकारियों के, लखीमपुर के, जो इस पूरी घटना को किसी और दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दुखद है ये। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, उनके बेटे जिनका भी इलाज चल रहा है उनके बयान होने चाहिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जानी चाहिए, उसके आधार पर जो भी लोग इस पूरी घटना में शामिल थे, जो हत्यारे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।